हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है उम्मीद करती हूँ क्या सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दिस इज एंड वेलकम बैक टू माई एन अदर ब्रैंड इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है एना की आवाज़ें आ रही हैं एना उधर क्रॉल कर रही है खेल रही है माशा से एना ने पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया है तो बस अपना हम अपना डे स्टार्ट करते हैं तो अभी बस मैं नाश्ता वगैरह कर लिया है सफ़ाई वगैरह यहाँ से मैंने बिल्कुल डन कर ली है तो अब हम करेंगे Uh, मैं थोड़ा सा बाहर देख के आती हूँ कि थोड़ी जो गार्डन में जो वेजीज हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं अगर हार्वेस्ट करने वाली हो गई हैं तो वो हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद फिर अपना जो भी डे यानी कि जो भी रूटीन में होगा तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी ऐना जो है ना अब वो बहुत ज्यादा टची हुई हुई है उसको होता है कि बस मम्मा की आवाज जहाँ से आ रही है वो बस उधर ही भाग के आ जाती है अब उसको पता है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है इसलिए मैंने ना कर्टन आगे कर दिया ताकि ना वो इधर ना आए लेकिन खैर कोई नहीं वो भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो ही जाएगी उसको पता है ना उसकी मम्मा यूट्यूबर है बस ठीक है अपना डे का स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताएं आप लोग सब ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं और कुछ भी पूछता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन आप खुला है आप पूछ सकते हैं तो चलिए बाहर चलते हैं और पहले अपनी गार्डन से यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो लेके आते हैं जो हार्वेस्ट करने वाली हो गई मैंने कहा कि अभी सुबह का टाइम है तो जल्दी से जाके ना मैं जरा देख के आऊँ कि हमारे गार्डन में कौन कौन सी वेजेस जो हैं वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गई हैं इससे पहले कि वो खराब हो जाएं क्योंकि आजकल जो मौसम है वो यानी कि उसमें अगर हम नहीं तोड़ेंगे अभी तो वरना आप ये खराब हो जाएंगी अब मैं देखती भी हूँ कि कौन कौन सी लगी है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ चले माशा भिंडी आप चेक करें भिंडी के पौधे जो है वो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हुए हैं और ये तो फुल्ली ग्रीनरी अब हो गई है तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो मैं भिंडी ही लेने आई हूँ क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा लगी भी हुई है ओके okay. तो हमेशा की तरह हम करेंगे अपने सीजर्स के साथ इनकी हार्वेस्टिंग बड़े प्यार से इतना अच्छी सब्जी दी है तो फिर प्यार से तो तो तोड़ना ही है ना देखिए माशाल्लाह पूरी और फुल हुई हुई है तो अगर ये आज मैं ना तोड़ती तो ये शाम तक तो, तो इसने खराब हो जाना था तो बस अब एक एक को हमने बहुत ध्यान से देखना है तो अभी जो थोड़ी छोटी हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ लेकिन एक भी मिस हो गई तो ये खराब हो जाएगी देखें अब हम जल्दी जल्दी से साड़ी तोड़ लेते हैं और ये भिंडी चेक करें कितनी बड़ी लगी हुई है माशाल्लाह ये साथ वाले में भी उतनी ही बड़ी लगी है ये अनियन भी काफी बड़ा हुआ हुआ है बाकी ये चीजें खत्म हो चुकी हुई हैं करेले लगता है कि नहीं निकले तो वो भी सारे खत्म कर दिया है तो यहाँ पे कुछ और लगाएंगे मिंट भी बहुत ज़्यादा है तो ये भी मैं थोड़ा सा तोड़ ही लूँगी पहले यहाँ से देख लूँ हेलो पिनो भी मैं देखते हुए जाती हूँ है। हेलो पिनो जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है इनको भी तोड़ ही देते हैं इनको भी हम काउंट करेंगे कितनी हेवा आज मैं तोड़ती हूँ लास्ट टाइम मैंने तोड़ी थी फिफ्टीन और आपके सामने मैंने काउंट की थी तो आज देखते हैं तो पौधा एट ये छोटी है छोटी है एट नाइन नाइन हेलोपिनोज आज भी मैंने तोड़ ली है तो अब जाते हैं मैं थोड़ा सा जो है ग्रीन अनियन है वो लेके जाती हूँ ऐना को मेरी आवाज आ रही है ना इसलिए वो रो रही है कोई बात नहीं बस हम चलते हैं अंदर बस अभी फिलहाल तो मुझे इतना ही चाहिए बाकी इसको मैं कल बाकी भिंडों के साथ ले जाऊंगी अब चलते हैं अंदर चलो यहाँ मैंने जो है ग्रीन अनियन इसको मैंने वॉश कर लिया अब इसको ना मैं ऐसे ऐसे काट के इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी फिर जब हमने ऑमलेट वगैरह बनाना होगा या किसी भी चीज़ में तो फिर हम ये निकालेंगे यूज़ कर लेंगे क्योंकि फ्रेश जो होती है ना चीज़ उसकी बात ही अलग होती है इसलिए अभी मैं सिर्फ इतना ही लेके आई हूँ जितना मुझे चाहिए तो बस अब मैं जल्दी से इसको काटती हूँ वैसे तो मैं वो उसके साथ भी कर सकती हूँ चूड़ी के साथ और कटिंग बोर्ड पे लेकिन इसका मुझे अभी थो, थोड़ा सा है ना इसलिए मैंने मैं क्या ऐसे कर लेती हूँ इसको मैं फ्रिज में रख लूंगी और यहाँ पे जो हेलो और जो भिंडी में लेके आई हूँ इसको मैं जिप लॉक में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ एक टाइम की बहुत अच्छी भिंडी बन सकती है बनेगी बल्कि लेकिन तब तक थोड़ी और हो जाएंगी तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी और इसमें डाल देती हूँ मैं हेलो जी ही, जी 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 तो चलिए ठीक है अब मैं ये करती हूँ और इसके बाद मैं ऐना के लिए बनाऊंगी अब जो है यखनी वाले चावल ऐना की दादी ने उसके लिए यखनी बना के रखी हुई है ऑलरेडी तो मैंने सोचा कि अब मैं उसके लिए ना एक आलू डाल के तो राइस बना लेती हूँ उसका पुलाव हो जाएगा तो ये शौक से भी खा लेगी तो बस अब मैं बनाती हूँ पुलाव और इसको मैं सेट करती हूँ जी तो यहाँ एना के राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं इस इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जो एना की दादी ने ऐना के लिए यखनी बनाई थी उसी के अंदर मैंने ना ये एक पोटैटो डाल के यानी आलू डाल के ये मैंने चावल बना लिए बस अब मैं खिलाती हूँ ऐना को एना ने अपना खाना खा लिया है अब वो खेल रही है बस क्योंकि सोगी उठी थी तो मैंने कहा कि चलो अभी उसका पेट खाली है तो मैं ना उसको अभी खाना खिला देती हूँ अब वो खेलती रहेगी तो यहाँ पे मैं इसकी टेबल जो है वो वाइप ऑफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे खाते खाते उसने काफ़ी नीचे गिरा भी दिया है तो आप भी अपने बच्चों को जिनके बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है और दान लिए हैं तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह बना के दे सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर जो चिकन होता है उसकी फुल ग्रेवी का मैंने ये बनाया यानी कि उसकी यखनी का पुलाव कह लें छोटे बच्चों का पुलाव यही है और चिकन भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया है लेकिन इस तरह ये चावल जो है ये शौक़ से खा लेती है और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि यूजली क्या है कि मैं जो रेसिपीज जो है वो मैं नहीं डालती क्योंकि बस मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बना के दे सकती हूँ लेकिन अगर आप चाहते हैं तो तो इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज हैं मैंने के लिए जो ट्राई कर रही हूँ आप में से जिन जिन के अभी बेबीज मेरी एना के जितने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं तो बस ठीक है अब यहाँ पे जो है टेबल इसकी हो गई है पूरी अच्छे से वाइप ये एना शोर कर रही है जी तो इस टाइम और ये शाम के पौने आज और खाना हमने खा लिया है अलहमदुल्ला बहुत मजेदार खाना बना देखा होगा मैं खाना खाते हुए ना एक क्लिप बना लेती होती हूँ लेकिन आज मैं नहीं बना सकी मुझे याद नहीं रहा इन आज का जो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था यहाँ पे मैं इसको एंड करती हूँ और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कुछ भी सजेशन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये रहा बेल आइकन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको जो मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मैं मिल लूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में तब तक के लिए बाय बाय